जय हिंद। मैं गौरी शंकर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस टिप्स पर। साथियों, 2020-21 का यू डाइस डाटा भरने का समय आ गया है, आदेश आ गया है, उसको आपको भरना है। तो आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो यू डाइस डाटा, जिसको कि हम शॉर्टकट में डीसीएफ भी कहते हैं, 2020-21 का फॉर्मेट पूरी तरह से 2019-20 जैसा ही है। इसलिए इसको भरते समय अच्छा होगा कि यदि हम 2019-20 के भरे हुए डीसीएफ की हार्ड कॉपी को अपने पास रख लें, उसे चेक कर लें, और यदि उसमें कोई गलती हो तो उसे लाल रंग से सुधार लें, और जब हम 2020-21 की डीसीएफ को ऑनलाइन भरने के लिए बैठें तो इन गलतियों को सुधार कर एंट्री करें। इसे ऑनलाइन भरने के लिए udiceplus.gov.in 2020-21 या udiceplus2020-21 लिख करके किसी भी ब्राउजर में सर्च करेंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें जो सबसे ऊपर udiceplus लिखा हुआ है, उसके ऊपर udiceplus.gov.in लिखा हुआ है, उसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक नया पेज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसमें आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड भरना है। यूजर नेम आपके विद्यालय का यूडाइस कोड है, और पासवर्ड जो आपने उस समय बनाया था यूडाइस प्लस के द्वारा आपके मेल पर या आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा गया था वही है। इसमें कैप्चा को भर के लॉगिन कर लेना है। बाय द वे, अगर मान लीजिए आप अपने पासवर्ड को भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का जो ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है उसे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा, उसमें आपको अपना यूजर नेम भर देना है, मैंने स्कूल का यूडाइस कोड भर देना है, और प्रधान पाठक का या जो भी इस यूडाइस डाटा को भरे होंगे अपना मोबाइल नंबर जो डाले होंगे उस मोबाइल नंबर को भर देना है। उस मोबाइल नंबर को भरने के बाद कैप्चा को भर के सबमिट कर देना है। यूडाइस प्लस आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर यूडाइस प्लस की ओर से एक नया पासवर्ड आ जाएगा, जिसे भर करके आप लॉगिन हो सकते हैं। तो आइए लॉगिन करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमारे मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार का पेज आ जाएगा। किसी के मोबाइल में लेफ्ट राइट में दिखाते हैं, किसी में ऊपर नीचे दिखाई देते हैं। इसमें जो सबसे लास्ट में जो आइकॉन दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ओपन डीसीएफ टू फिल द डाटा। आपको इसे क्लिक करना है डीसीएफ को भरने के लिए, और जैसे ही आप डीसीएफ को भरने के लिए उसे क्लिक करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट नोट्स लिखा जाएगा कि बी इंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर सबमिटिंग डाटा। मतलब एक नंबर में स्कूल नेम, दो में स्कूल कैटेगरी, तीन में लोएस्ट क्लास एंड हाईएस्ट क्लास, और चौथा नंबर पर स्कूल मैनेजमेंट लिखा हुआ है, सबको मिला लेना है। अगर सब कुछ सही है तो आपको डीसीएफ भरना है, और अगर सही नहीं है तो आपको ब्लॉक एमआईएस से संपर्क करना है। इसके बाद ओके बटन को क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार का एक आपको पेज दिखाई देना शुरू हो जाता है। सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, नीचे लिखा है डीसीएफ सीरियल नंबर 1.1 to 1.4, फिर 1.15 to 1.26। इस प्रकार से सब जानकारियां आपको भरनी है। ये कुल मिलाकर के 43 पॉइंट है, जिसको कि हम 11 भागों में बांट दिए हैं। देखिए यहाँ स्टेटस लिख रहा है नॉट सर्टिफाइड, और यहाँ लिखता है ओवरऑल स्टेटस वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि इस डीसीएफ को भरने का काम शुरू हो गया है। कुछ भाग को भरा जा चुका है और कुछ भाग नहीं भर पाए हैं, इसलिए अभी नॉट सर्टिफाइड दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ सेलेक्ट लैंग्वेज में इंग्लिश लिखा हुआ है, यदि आप इंग्लिश में कंफर्ट महसूस करते हैं तो आपको सुधारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम लैंग्वेज को हिंदी कर दें तो आपको हिंदी सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप सेलेक्ट कर देंगे तो फिर उसी प्रकार का एक इम्पॉर्टेंट नोट्स लिखा हुआ आ जाएगा, इसको ओके करके हटा देना है। इस प्रकार से आपका नया हिंदी का पेज ओपन हो जाता है। जैसे देखिए एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है जिसमें क्रम संख्या, डीसीएफ क्रम संख्या, प्रपत्र का नाम, प्रपत्र की स्थिति, और आखिरी संशोधित और आखिरी अपडेट भी दिखाई दे रहा है। भाग देखिए यहाँ एक से लेकर के पूरे 43 भाग तक हैं, जिसमें से कि आपको 40 नंबर तक जानकारी भरना है, और उसके बाद 41 में भरे हुए डेटा का सत्यापन करना है, 42 में डीसीएफ फिलिंग इज नॉट कम्प्लीटेड अभी लिखा हुआ है, जब भर जाएगा तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और 43 नंबर पर स्कूल का डेटा प्रमाणित करना है। ये सब बाद का काम है, अभी एक नंबर से लेकर के 40 नंबर तक आपको भरना है। इसमें जो 1.1 से 1.14 तक है, इसमें आपको कुछ भी सुधार नहीं करना है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे इसमें लिख देगा कि सीरियल नंबर 1.1
1.12 कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय स्कूल यूजर। अगर आपको इसमें कोई सुधार करवाना है तो आपको ब्लॉक लेवल पर जाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप आगे जा सकते हैं। बारी बारी से जब दूसरे पेज को खोलेंगे तो इसमें भी 1.15 से 1.16A, 1.16B और 1.17, यानी यहाँ से लेकर के जो स्कूल का प्रकार है, गर्ल्स स्कूल है, यहाँ तक आप सुधार नहीं कर सकते। इसके बाद जो सुधार आपको करना है, अगर चाहते हैं तो सुधार कर लीजिए, और अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो जमा करें और आगे जाएं पर क्लिक करेंगे। जमा करें और आगे जाएं, इससे क्या होगा कि यह पेज जमा हो जाएगा और नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएगा, और यहाँ देखिए ऊपर ग्रीन कलर से लिख करके आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से बारी बारी से करके आपको हर पेज को खोलना है, जमा करें और आगे जाएं। पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सारा पेज खुलता जाएगा और आपको भर लेना है। जैसे ये नेक्स्ट पेज है, इस प्रकार जो ये तीसरा आपको दिखाई दे रहा है 1.27 टू 1.39, इसमें जब आप जाएंगे तो जो भी जानकारियाँ, जैसे ये भाषा से संबंधित जानकारी है कि स्कूल में पढ़ाने का माध्यम क्या है, हिंदी है और कौन कौन से भाषा में पढ़ाया जाता है, और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है 1.37, जिसमें शिक्षण दिवसों की संख्या लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है गत शैक्षिक वर्ष। मतलब हम अभी UDICE डाटा 2020-21 का भर रहे हैं, तो हमको 2019-20 का शैक्षणिक दिवसों की संख्या भरना है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए 16 जून से लेकर के 12 मार्च तक काउंट होगा, क्योंकि 13 मार्च से कोरोना संक्रमण के कारण छुट्टियां घोषित हो गई थी। यहां हमको ये ध्यान रखना है कि हमको 1.37 में शिक्षण दिवसों की संख्या भरनी है 2019-20 का। इसके बाद हम आगे चले जाएंगे। आगे चले जाने के बाद क्या CCE को स्कूल में लागू किया जा सका है, हाँ लिखेंगे, और ये पहले से बहुत सारे डाटा आपको भरे हुए मिलेंगे, और जिसमें आपको कुछ सुधार करना है तो आप सुधार कर सकते हैं, अन्यथा आप जमा करें और आगे वाले पॉइंट जो ये बीच में लिखा हुआ है, ये तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जमा करें। जब आपको केवल इसी पेज को जमा करके काम को बाद में करने के लिए टाल देना है तो ये ऑप्शन यूज होगा, और अगर आपको कंटिन्यू करना है तो जमा करें और आगे जाएं वाला ऑप्शन यूज होगा, और केवल आपको पेज को देखना है तो ये ऑप्शन यूज होगा। इस प्रकार से अगर आप चाहें तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं वेब जा करके। इसके बाद देखिए 1.50 टू 1.51 में प्रबंधन है। प्रबंधन को हम देखते हैं, इसमें आपके स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, SC ST EWS और अल्पसंख्यक सदस्य कितने कितने हैं, ये सब जानकारी भरना है। और इसी में जो सबसे नीचे देखिए ज नंबर पर लिखा है, क्या SMC के लिए अलग बैंक खाता रखा जा रहा है, अपने को हाँ लिखना है, यदि नहीं है तो नहीं लिखना है। तो लगभग सरकारी स्कूलों में SMC का खाता है, इसलिए हाँ होगा। उसके बाद देखिए बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, खाता धारक का नाम और IFSC कोड, ये सब आपको भरा हुआ मिलेगा। यदि इसमें आपको कोई संशोधन करना है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ 2.1 में आ जाएंगे, कक्षा से संबंधित जानकारी आपको भरनी है। 2.17 में शौचालय से संबंधित जानकारी आपको भरनी है। 2.1 से 2.223 तक स्कूल में जो भौतिक सुविधाएं और उपकरण है उससे संबंधित जानकारी आपको भरनी है। इसके बाद देखिए 2.31 टू 2.3.4 ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें ICT एवं डिजिटल उपकरणों की जानकारी भरनी है। इसके बाद आपको 3.1 और 3.2 में पहुंच जाना है। आप ऊपर से देखेंगे यहाँ तो शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टाफ, मतलब आपके स्कूल में कितने शैक्षणिक स्टाफ हैं और कितने गैर शैक्षणिक, जैसे क्लर्क हो गए, चपरासी हो गए, सब गैर टीचिंग स्टाफ में आते हैं, इनकी जानकारी भरना है। सबसे महत्वपूर्ण जो 11 नंबर पॉइंट पर दिया हुआ है, शिक्षक एवं अनुदेशक 3.3 में, इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे ही आप इस पेज को ओपन करेंगे तो इस प्रकार से पेज ओपन होकर के आपके सामने आएगा, जिसमें एक जोड़े का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक पूर्ण के रूप में चिन्हित करें और एक आगे। जोड़े का मतलब है यदि कोई नया शिक्षक आए हैं तो जोड़े के ऑप्शन को क्लिक करना होगा और उसके बाद उनकी जानकारी को भरना होगा। पूर्ण के रूप में चिन्हित करने का मतलब है यदि सब कुछ सही है, पूरा है, तो इसको पूर्ण के रूप में चिन्हित करें और आगे बढ़ जाएंगे। और केवल आपको अगले पेज में जाना है। देखिए यहाँ कंप्लीटेड लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जब पहली बार खोलेंगे
तो नॉट कम्प्लीट लिखा हुआ दिखेगा। जैसे ही आप एडिट बटन को क्लिक करेंगे और एडिट बटन को क्लिक करने के बाद संबंधित शिक्षक की जानकारी खुल जाएगी, उसके बाद आप जमा करें को क्लिक करेंगे तो वहाँ कम्प्लीटेड दिखाई देना शुरू हो जाएगा। चूंकि मैं पहले से भर चुका हूँ इसलिए ग्रीन कलर से कम्प्लीटेड दिखाई दे रहा है। अभी आप पूर्ण के रूप में चिन्हित करें करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका जो 4.1 से जो शुरू हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें नए दाखिले, नामांकन एवं पुनरावर्तक लिखा हुआ है। इसमें पूर्व प्राथमिक भाग में यदि आपके यहाँ LKG UKG है तो इसको भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। उसके बाद कक्षा प्रथम में नए दाखिले, तो पहली कक्षा में जो नए दाखिले लिए गए हैं उसको एज वाइज कि 5 साल के कितने बच्चे हैं, 6 साल के कितने हैं, 7 साल के कितने हैं और 7 साल से बड़े कितने हैं, सबको आपको भर देना है। अपने आप यहाँ टोटल हो जाएगा। फिर लिखा है कक्षा प्रथम में कुल बच्चों में से पूर्व विद्यालय अनुभव वाले बच्चों की संख्या, कोई प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी से आया है क्या, उसको अगर जानते हैं तो उसको भरिए और यहाँ जमा करें और आगे जाएं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये 4.2 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में यानी 2020-21 की जानकारी इसमें भरनी है और पूरा जातिवार भरना है। उसके बाद जमा करें को क्लिक कर देना है। इसके बाद जो छठवा भाग है प्रारंभिक स्तर पर वार्षिक परीक्षा के परिणाम, तो 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं का इसमें हमको लिखना रहता है। कुल सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या लिखना है, कुल विद्यार्थी जितने जो उत्तीर्ण हुए उनकी संख्या लिखना है, जातिवार वर्गवार, और 60% अंकों वाले उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, माने 60% हो या उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, ऐसे बच्चों की संख्या हमको लिखनी है। तो चूंकि इस बार जनरल प्रमोशन दे करके सबको पास कर दिया गया था इसलिए सारे के सारे बच्चे 60% अंकों वाले उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या में आएंगे। यदि इस बारे में आपको कोई शंका होगा तो अपने शिक्षा अधिकारी महोदयों से कृपया पूछ लेंगे और संतुष्ट होने के बाद ही इस जानकारी को भरेंगे। इसके बाद आगे जाएं का ऑप्शन है। उसके बाद प्राप्ति और व्यय है। यहाँ ध्यान देंगे कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के दौरान स्कूल और व्यय द्वारा प्राप्त अनुदान, इसमें आपको अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जितना भी अनुदान प्राप्त हुआ है उसको लिखना है, किस मद में कितना अनुदान प्राप्त हुआ है और आपने उसे कितना खर्च किया है। इधर आय लिखना है इस कॉलम में और व्यय लिखना है 2019-20 सत्र का लिखना है। उसके बाद स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता, कोई NGO से अगर आपको प्राप्त है या अन्य किसी जगह से अगर कोई वित्तीय सहायता प्राप्त है तो यस लिखना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद फिर आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ PGI संकेतक लिखा हुआ है, केवल सरकारी और जिसको सरकारी सहायता प्राप्त होता है उन्हीं विद्यालयों को भरना है, प्राइवेट विद्यालयों को नहीं भरना है। इसमें शिक्षकों की संख्या, जिसके पास आधार है, ये सब अन्य जानकारियां पूछता है। इसमें एक क्या स्कूल PFMS के तहत पंजीकृत है, इसमें ज्यादातर स्कूलों में नो भरा जाएगा। इस प्रकार से सारी जानकारियों को आपको भर लेना है। उसके बाद है जमा करें और पूर्ण करें, इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जानकारियाँ वहाँ पहुँच जाएंगी। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना है। ये सब वेरिफिकेशन का ऑप्शन अभी नहीं खुला हुआ है, जैसे ही खुलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में कैसे वेरीफाई करना है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।